सीसीएल मुख्यालय रांची, सीसीएल इनके एरिया और सीएमपीएफ रीजन वन के संयुक्त तत्वाधान में डकरा वीआईपी क्लब में एक दिवसीय पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। इस पेंशन अदालत के जरिए सीसीएल कामगारों के लंबित पेंशन मामलों की सुनवाई की गई। इस पेंशन अदालत की शुरुआत आए हुए अतिथियों का महाप्रबंधक संजय कुमार ने बुक्के देकर स्वागत करने के साथ किया। पेंशन अदालत में इनकेरिया के विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े लंबित मामलों को सीएमपीएफ के अधिकारियों के पास रखा गया। इसके साथ ही कई लाभुक स्वयं अपनी समस्या को बताते हुए इसकी समाधान की मांग की। सर्वाधिक लंबित मामले चूरी परियोजना का देखा गया। 10 वर्ष से लेकर 1 वर्ष तक के लंबित मामले को लाभुक बता रहे थे। इस मौके पर सीसीएल मुख्यालय से आए जीएम पर्सनल अमरेंद्र कुमार, रिटायर्ड जीएम पर्सनल उमेश सिंह, सीएमपीएफ इंस्पेक्टर प्रियदर्शन, सीएमपीएफ विभाग के कौशिक संतोष कुमार, अभिजीत कुमार, स्टाफ ऑफिसर पर्सनल सुनील कुमार तिवारी, दीपक गिरी, नवनीत शेखर, इतिश्री, उमेश यादव, श्रमिक प्रतिनिधियों में प्रेम कुमार, शैलेश कुमार, विनय सिंह मानकी, डीपी सिंह, राघव चौबे, शिव पासवान, मनीष कुमार, उदय सिंह, अनूप रजक, ओम प्रकाश समेत कई लोग उपस्थित थे। सभी का जिनका मैं नाम लेना रह गया है, सभी का स्वागत अभिनंदन है। स्वागत है। स्वागत करता हूं। पेंशन से जुड़े जो भी मामले हैं निपटारा किया जाए ताकि लाभुकों को लाभ जल्द से जल्द मिले। और यह जो अदालत कभी पेंशन अदालत यहां पर शुरू हो रही है, मैं इसकी सफलता की कामना करता हूं। मैं देख रहा हूं कि बहुत पार्टिसिपेंट्स यहां पर आए हुए हैं और हमारे एसीसी के मेंबर्स भी यहां पर आए हैं। सबका स्वागत है। और यह चूँकि काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर हो रहा है, मैं इसका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जय गुंजर जी की वाइफ आपको स्वर दिए थे अर्जुन मुंडा, इनका 3/8/2017 में विधवा पेंशन को भेजा गया था, जबकि 2015 का इनका केस था लेकिन 17 में ही भेजा गया था। तो अभी तक ले कई बार हमने जिक्र किया लेकिन अभी तक इनका सेटल नहीं हुआ पेंशन। पीएफ सेटलमेंट हो गया, प्रोजेक्ट में कार्यरत थे जिनका 2017 में डेथ हो गया, उनकी जगह पर मेरी नियुक्ति हुई है। पीएफ में मेरे हस्बैंड ने अपने माँ का नाम दिया हुआ था जिसका डेथ हो चुका है, तो मैंने उनका डेथ सर्टिफिकेट लगाया हुआ है, परंतु अभी तक मुझे पेंशन और पीएफ का भुगतान नहीं हुआ। केस ऐसा होता है जिसमें कि नाम का डिफरेंस हो जाता है जिससे काम को सेटल करने में मजबूरी हो रही है। कुछ हेलो कुछ समस्या ऐसी होती है जिनमें कि आपका मतलब कि उनका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल पाता है, तो इन सभी का समाधान हो जाए तो फिर बहुत जल्द शीघ्र से शीघ्र इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। थैंक यू।